सोलन नगर निगम में कांग्रेस ने 17 में से 9 वार्डों में शानदार जीत हासिल की। नगर निगम में उनका शपथ समारोह रखा गया था। शपथ का समय 11 बजे रखा गया था, लेकिन कांग्रेस पार्षद 12 बजे के बाद निगम में पहुंचे, लेकिन उससे पहले एडीसी सोलन अनुराग शर्मा 16 अप्रैल की तिथि देखकर वापस जा चुके थे। कांग्रेस के विधायक धनीराम शांडिल, प्रभारी राजेंद्र राणा पार्षदों के साथ समारोह में पहुंचे तो वे काफी निराश दिखे। एडीसी सोलन अनुराग शर्मा को विधायक धनीराम शांडिल ने दूरभाष से संपर्क साधा और उन्हें वापस आने का आग्रह किया। कुछ देर में अनुराग शर्मा आए, तब जाकर शपथ समारोह आयोजित किया गया। कांग्रेस के 9 पार्षदों को शपथ दिलाई गई, लेकिन कोरम न पूरा होने की वजह से मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हो सका। भाजपा पार्षद भी अनुपस्थित रहे, जिनकी शपथ भी 16 अप्रैल को होगी। उसके बाद ही ये खुलासा होगा कि कौन सोलन नगर निगम का पहला मेयर होगा। रोष प्रकट करते हुए नगर निगम प्रभारी राजेंद्र राणा, विधायक हर्षवर्धन चौहान, जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि जिला के प्रशासनिक अधिकारी भाजपा सरकार के दबाव में आकर कार्य कर रहे हैं। यही वजह है कि संबंधित अधिकारी बिना शपथ दिलाए ही समारोह स्थल से वापस चले गए थे। उन्होंने कहा कि रास्ते में जाम के कारण वे समय पर नहीं पहुंच सके, लेकिन संबंधित अधिकारी को उनका इंतजार करना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि समारोह के दौरान जो औपचारिकताएं जिला प्रशासन द्वारा निभाई जानी थी वह भी नहीं निभाई गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पार्षदों से जो भेदभाव किया गया वह बेहद गलत है, वे इस घटना पर जांच की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मेयर और डिप्टी मेयर 16 अप्रैल को घोषित किया जाएगा, लेकिन लगता है कि भाजपा को ये बात रास नहीं आ रही है। चले जाते और उनको बार बार हम लोग टेलीफोन कर रहे थे कि हम लोग पहुंचने वाले हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से दबाव था या इनको लगता था कि भाजपा के पार्षद नहीं आए हैं तो ये जा रहे। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ से कर्नल धनीराम सांडिल जी ने डिप्टी कमिश्नर से बात करी और फिर से ये खोद हुई है, और मुझे लग रहा है कि प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अब 16 तारीख मिली है, 16 तारीख को फिर मिलेंगे। सर क्या कहीं लगता है कि कोई प्रेशर है इन अधिकारियों पे? हो सकता है जी, हो सकता है। इसका जवाब तो एडीसी दे सकते हैं, क्योंकि ऊपर प्रेशर था उस वजह से गए, अन्यथा वैसे जाने की जरूरत नहीं थी। जब हमने सूचना दे दी और सूचना ये दी कि हम 5 मिनट में 7 मिनट में पहुंचने वाले हैं, 12:12 में हम यहाँ पहुँच गए हैं और ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, तो मुझे लग रहा है ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। उसके बावजूद भी उन्होंने करी है तो समझ आ गई लगता है इनको, या प्रेशर था, ये तो ये बता सकते हैं कि प्रेशर था। देखो ऐसा है ना कि आज का जो घटनाक्रम हुआ है वो आप सबने देखा है। शुरुआत कहाँ से हुई है कि 11 बजे की वो थी और हम इनके अधिकारियों के संपर्क में थे और हम समय समय पे सूचित कर रहे थे कि हम आ रहे हैं, उसके बावजूद भी जो अधिकारी हैं विशेष करके जो एडीसी साहब हैं वो यहाँ से गायब हो जाते हैं और फिर उनको दोबारा बुलाया जाता है। और अब इसमें राजनीति है, दबाव है या क्या है, ये तो एक अलग विषय है, मगर दुखद घटना है कि प्रशासन जो ओथ दिलाने के लिए जिसको डेप्यूट किया गया है वो एक घंटे भी इंतज़ार नहीं कर सकता। 9 चुने हुए पार्षद जो है वो ओथ लेने आ रहे हैं और साथ में जो है 4 विधायक हैं, और प्रशासन को सूचित करने के बाद भी यहाँ 15 मिनट का इंतज़ार नहीं कर सकते थे, जबकि जो कानून बोलता है, जो लॉ है, वो ओथ का 11 बजे का समय है। आपको पता है ट्रैफिक है और ट्रैफिक में समय लग जाता है, मगर इनको सूचित करने के बावजूद भी यहाँ से चले गए। शांडिल जी ने डिप्टी कमिश्नर से बात की और यहाँ जो एडीसी साहब वापस आए और इन्होंने ओथ दिलाई है, मगर ओथ के समय भी क्या घटनाक्रम हुआ ये भी आपने देखा कि 2 ढाई स्टेज पे 2 ढाई लगे हैं और एडीसी साहब जो है वो नीचे से ही पार्षदों को कुर्सी पे जो खड़े होकर के बुला रहे हैं कि भाई यहीं पे ओथ होगी। कोई एक ओथ का कोई एक डेकोरम है, एक प्रोसीजर है, उसका भी उल्लंघन कर रहे थे। बहुत दुख का विषय है। बेशक आज हिमाचल में भाजपा की सरकार है और पार्षद कांग्रेस के हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस के पार्षदों के साथ जो है भेदभाव किया जाएगा या ओथ के मामले में जो सेट प्रोसीजर है उसको फॉलो ना करके एक पार्षदों को छोटा सा अपमानित करने की कोशिश और प्रयास जहाँ प्रशासन से किया गया है, बहुत दुखद है। हम इस घटना की प्रशंसा करते हैं और मांग करते हैं, डिप्टी कमिश्नर को भी हम कहेंगे कि जो सेट प्रोसीजर है उसको फॉलो ना करके, और जब हम नोटिस में ला रहे हैं, हमारी ड्यूटी थोड़ी है, जो प्रोसीजर है वो तो प्रोसीजर है,
और उस डायस पे माइक नहीं लगाया गया, एक डायस पे माइक लगाया गया और दूसरे पे माइक नहीं लगाया गया। अगर हमने जब कहा उस वक्त माइक लगे, तो बड़ा दुखद घटना है और ये एडमिनिस्ट्रेशन का जो है फेलियर है। और हम मांग करेंगे सरकार से इसमें जो है एक हाई लेवल की इंक्वायरी हो और दोषी जो अधिकारी है उनके खिलाफ जो उचित कार्रवाई की जाए। और आइंदा भी कभी भी ऐसा जो है कोई जो एक इसकी सेंटिटी होती है, एक बड़ा एक ओथ का जो महत्व है, उस पर ऐसी कोताही जो है प्रशासन से जो है वो बरती ना जाए। मैं समझता हूँ प्रशासनिक अधिकारी जो आज यहाँ थे वो पूर्ण रूप से भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं, पूर्ण रूप से भाजपा के एजेंट बने हुए हैं। उन्हें देखना चाहिए कि जब उनको पता है कि बाहर पार्षद आ चुके हैं, पार्षदों को देखते हुए वो यहाँ से स्टेज से उठ कर चले जाते हैं, तो ये पूर्ण मेरा उनके ऊपर आरोप है कि वो भाजपा के इशारों पर चल रहे हैं, भाजपा के हाथों में खेल रहे हैं। और इस तरह से एक अधिकारी को, प्रशासनिक अधिकारी को शोभा नहीं देता। जनमत, लोगों ने जो जनमत दिया है लोकतंत्र में, जनमत की जो इज्जत होनी चाहिए, लेकिन भाजपा के लोग जनमत की इज्जत नहीं करना चाहते। आज दिख रहा है कि जिस ढंग से आज हमारे 9 के 9 पार्षद आपके सामने, उसके बावजूद भी उन्होंने शब्द लाने से आज यहाँ से बहाना करके खिसक गए हैं, ये बड़ी शर्म की बात है।